तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं एक नई जानकारी। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको इससे पहले दो तीन वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था लर्निंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस को कैसे सुधार कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं और कैसे ड्राइविंग लाइसेंस को सुधार कर सकते हैं। इसी तरह के मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दिया था, लेकिन उसी वीडियो में कुछ सवाल आपके कुछ कमेंट है कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि मार्च या अप्रैल में एक्सपायर हो गया या होने वाला है, तो क्या उसका रिन्यूअल होगा या फिर से हमको हमें बनाना होगा लर्निंग लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, आपको फिर से नहीं बनाना होगा। इसके बारे में मैंने गूगल पे ही सर्च किया, कुछ हमें आर्टिकल मिले, दैनिक जागरण के कुछ आर्टिकल मिले, हिंदी रिटर्न के कुछ आर्टिकल मिले। उसके बाद मैंने parivahan.gov.in की वेबसाइट पे आया तो यहाँ भी हमें एक नोटिफिकेशन मिला। इस नोटिफिकेशन क्लिक करें, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट जो लर्निंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस है उसके एक्सपायर के रिलेटेड यहाँ पे एक दिया गया नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो दिया गया है एक आर्टिकल में, दैनिक जागरण आर्टिकल में, यहाँ पे होगा दिया गया है सर्टिफिकेट एक्सपायर होने पर सरकार ने दे रहा। तो यहाँ पे एक आर्टिकल में बताया गया कि सरकार ने सभी वाहन मालिकों और ड्राइवर को राहत दी जिनके प्रमाण पत्र हाल ही में समाप्त होने वाले या हो गए हैं। सरकार ने उनकी तिथि को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बढ़ाया। कोरोना वायरस जो कि 14 अप्रैल 2020 तक पूरे देश में लागू सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने जारी एक सर्कुलर के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता सभी प्रमाण पत्र की वैधता जितने प्रमाण पत्र होते जो कि परिवहन रिलेटेड होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्री, सभी की जो एक्सपायरी डेट लॉकडाउन के चलते नहीं रिन्यूअल हो सका उन सभी को फरवरी के बाद, मतलब जिनका भी फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ है या होने वाला है, उनका दस्तावेज जो भी है लर्निंग लाइसेंस हो या कोई भी चीज़ हो उसका वैल्यू, उसका मान्यता, उसका वैलिड 30 जून 2020 तक रहेगा। मान लीजिए आपका लर्नर लाइसेंस मार्च एक्सपायरी डेट था मार्च में, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सके, तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे आपको मैं परिवहन के विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया इसमें बताया गया है सभी फरवरी के बाद जितने भी एक्सपायर हुए सभी की वैलिड जो कि 30 जून 2020 तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई टेंशन लेने की दिक्कत की कोई बात नहीं, आपकी जब भी एक्सपायर हो गया है फरवरी के बाद तो उसकी वैलिड जो 30 जून 2020 तक रहेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं उसकी वैल्यू, उसकी मान्यता 6 महीने रहती है, लेकिन आपको 1 महीना पहले ही, मतलब 6 महीना पूरने से 1 महीना पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। इस स्थिति में भी आपका लर्निंग लाइसेंस का जो वैलिड डेट होगा वो 30 जून कर दिया गया है। लर्नर लाइसेंस की वैल्यू जो होती है वो 6 महीने होती है, लेकिन आपको लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एक्सपायरी डेट से 1 महीना पहले करना होता है ताकि एग्जाम वगैरह भी आपका क्लियर किया जाए 1 महीने के अंदर। इस स्थिति में भी आपका लर्निंग लाइसेंस का डेट 30 जून 2020 तक वैलिड रखा गया है। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी राज्य के एयरपोर्ट ऑफिस बंद पड़े थे, यानी कि लॉकडाउन में सभी ऑफिस बंद थे। आदेश में टेक लाइब्रेटरी के सस्पेंशन के लिए वाहन परिवहन के लिए गैर उपयोग खंड सुविधा का भी उल्लंघन किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया राज्यों में वाहन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके चालू हुआ, इसका मतलब टैक्सी है, मतलब इसके बारे में बता दिया गया, राहत दी इसके बारे में सभी राज्य के सभी परिवहन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई कि वो 30 जून 2020 तक मान्यता रखें। यहाँ देखिए सभी दस्तावेज 30 जून 2020 तक वैध मानने को कहा गया है। ये तो एक आर्टिकल होगी दैनिक जागरण को, और ये आर्टिकल भी आप देख लीजिए जो कि परिवहन विभाग की द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें भी यही बताया गया कि जो भी फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर होता है, ठीक है, तो 30 जून 2020 तक उसकी डॉक्यूमेंट की वैल्यू होगी, मान्यता होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉकडाउन के बाद आप जाके रिन्यूअल करा सकते हैं, अगर लर्निंग बना तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो गया और आपको राहत मिल गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।